नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ किचन की ज़रूरी टिप्स बताऊंगी। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ साइड में है बेल आइकॉन, वहाँ दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे। ये देखिए, ये है टिफ़िन बॉक्स। ये पुराना वाला टिफ़िन बॉक्स है। इसको हम जब पुराना हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हम इसको फेंक देते हैं। इसको मैंने नहीं फेंका है, इसको मैंने रीयूज किया है। ये देखिए, इसमें आप चम्मच वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए, ये रेगुलर मैं यूज़ नहीं करती, इसको मैं रेयर यूज करती हूँ। तो ये स्पून फोर्क जो है इसको मैंने रख देती हूँ इसमें। और अगर आप चाहें तो ऐसे पुराने टिफ़िन बॉक्स को मत फेंकिए और इसमें देखिए और अलग तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए आप सब्ज़ी वगैरह रख सकते हैं। ये है बीन्स, बीन्स को मैंने रख दिया है। सब्ज़ी को रख के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मैंने साबुत बीन लिया है, आप चाहे तो काट के भी सब्जियां, कुछ भी गाजर हो, बीन हो, कुछ भी जो सब्जियां आपके मन चाहे, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, जो भी आप इसमें रख के बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अभी हमारा अगला टिप्स है, ये देखिए मग है। ये वाला जो मग है मैंने लाई, मैं तो अभी ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसको भी आप मत फेंकिए। इसमें आपका जो स्पून है, रेगुलर यूज वाला स्पून, इसको आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, इसमें है कुछ प्लास्टिक का स्पून है और सूप पीने का स्पून है। ये दूसरा वाला जो मग है, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस एक्सट्रैक्टर, और आप इसमें पीलर डाल सकते हैं जैसे सब्जी छीलते हैं जिससे, और बीटर जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं उस ऐसे किचन की जो सामान होता है, चाकू हो गया और नारियल छीलने का, नारियल जो कद्दूकस करते हैं इस टाइप का, पीलर वगैरह इस और सीजर वगैरह इसमें आप रख सकते हैं। तो किचन में आपका और दूसरा जो इस्तेमाल करने का सामान इसमें रख सकते हैं। ये देखिए, इसका जो मग है, इसका दोबारा यूज कितना अच्छा हो रहा है। फिर से इसका इस्तेमाल आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको पेन स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आपके बच्चों का बहुत सारे पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह होगा तो इसमें डाल दीजिए और आराम से इसमें रख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये देखिए, आप कोई भी बॉक्स में, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रिज में धनिया पत्ता ऐसे कोई बॉक्स में डाल के रखते हैं, लेकिन हम इसका जो, ये देखिए मैं धनिया पत्ता रख दिया है इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे टिश्यू पेपर दे देते हैं, ऊपर भी टिश्यू पेपर दे के हम ऐसे ही बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें ये देखिए, ऊपर मैं दिखा रही हूँ आपको, वो एक छेद हो गया है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने क्रैक कर दिया है इसको। तो हम इसमें अभी टिश्यू पेपर ऊपर से डाल देंगे और ऐसे जैसे वो ढक्कन में क्रैक कर देंगे, या फिर छोटा छोटा छेद कर दीजिए और रखिए। इससे क्या होगा, मॉइस्चर जो है इसमें वो है बाहर नहीं निकल पाता, और वो भी हमारे धनिया पत्ता को ख़राब करता है। ऐसे हम छेद कर देंगे तो उससे मॉइस्चर जो है बाहर निकल जाएगा और धनिया पत्ता लंबे समय तक अच्छा रहेगा। अभी नींबू को हम कैसे फ्रिज में स्टोर करें, इसका बारी है। नींबू को हम ऐसे ही खाली रख देते हैं, तो इसको आप क्या करें, एक टिश्यू पेपर में या फिर न्यूज़ पेपर में ऐसे आप इसको कवर कर लीजिए, जितना भी आपके पास नींबू है। ऐसे कवर करने के बाद हम कोई बॉक्स में डाल देंगे। जैसे हो गया मेरा टिफ़िन बॉक्स का मैंने यूज बताया था, ऐसे टिफ़िन बॉक्स में भी आप या फिर कोई अलग से बॉक्स में डाल दीजिए, ऐसे कवर करके टिश्यू पेपर या कोई न्यूज़पेपर से। और सारे नींबू को ऐसे हम कवर कर देंगे और कोई बॉक्स में डाल के फ्रिज में हम अच्छी तरह से स्टोर करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा नींबू जो है ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक ऐसे ही फ्रेश रहेगा। हम खाली रख देते हैं तो इसका फ्रेशनेस चला जाता है। अभी जैसे हमारा प्लास्टिक का बॉटल हो गया, ये छोटा छोटा मैं बॉटल ले रही हूँ, हाफ लीटर वाला। आप चाहे तो बड़ा वाला बॉटल भी ले सकते हैं। मैं डेमो के लिए बहुत मैं छोटा वाला ही दिखा रही हूँ आपको,
तो इसका भी बहुत सारे हम यूजेस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बॉटल को आप थोड़ा सा हाफ से थोड़ा ऊपर तक पूरा काट दीजिए और साइड साइड में थोड़ा सा सीजर से भी तीन चार ऐसे कट लगा लीजिए आप। बड़ा बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 1 लीटर या फिर 2 लीटर का। तो ऐसे आप कट कर दीजिए इसमें। ये देखिए ऐसे जो है ये एक तरह की हमारा स्टोरेज बॉक्स जैसा काम आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम सब्जी वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए मैं कट कर चुकी हूँ इसमें। इसमें आप चाहें तो ये देखिए मैं मटर डाल रही हूँ, ग्रीन मटर को छिल के रख दिया था मैंने, इसको इसमें हम डाल देंगे ग्रीन मटर। इसमें भी आप, ये छोटा वाला बॉक्स है, आप चाहे तो 2 लीटर वाला इस्तेमाल करके उसमें ज़्यादा सामान रख सकते हैं। इसको भी सब्जियां जो है जैसे कि बीन हो गया, धनिया पत्ता हो गया, गाजर हो गया, कोई भी सब्जी जो हो गया आप इसमें काट के ऐसे डाल दीजिए। ऐसे डालने के बाद हम ऊपर से इसको, ऊपर का जो ढक्कन था हाफ जो पीसेस था उसको हम ऐसे ऊपर से कवर कर लेंगे और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। ये भी एक स्टोरेज बॉक्स जैसा काम आता है। तो अगली बार आप पुराने बॉटल को जो है फेंकिए मत, इसी तरह से सब्जी वगैरह आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अभी ये वाला टिप्स जो है, अंडा जब हम ऑमलेट करते हैं तो हमारे कटोरी में अंडे का स्मेल रह जाता है। जब भी हम अंडा ऑमलेट करने के बाद कटोरी में जो है अब धोने के बाद भी स्मेल रह जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे नमक 1 चम्मच और यह है नींबू, नींबू का रस डाल देंगे इसमें। नींबू का रस पूरा निचोड़ दीजिए, हाफ नींबू या फिर लगभग 1 चम्मच डाल दीजिए नींबू का रस। और जैसे आपका नॉर्मल डिशवाश लिक्विड, ये सारी चीज़ों को मिला के आप क्लीन कर लीजिए कटोरी को, तो इसका जो स्मेल है ये चला जाएगा, चाहे कोई भी स्टील का हो या प्लास्टिक का हो। अभी अगला वाला टिप्स है लहसुन को। आप देखिए जैसे कि वो जैसे साबुत रहता है, तो इसके अंदर मैं दिखाती हूँ। इसको मैंने पूरा हटा दिया है, मतलब सेपरेट कर दिया है पीसेस को, फिर भी इसमें है कुछ कुछ। ये देखिए ऐसे सूख जाता है या फिर कीड़ा लग जाता है। तो इसको हम बचाने के लिए या इसको अच्छी तरह से रखने के लिए आप जैसे साबुत जो लहसुन है उसको ऐसे, इसको जैसे मैंने करके रखा है सेपरेट पीसेस, ऐसे सेपरेट अलग अलग से कर दीजिए और इसको आप रखिए। ये सूखेगा भी नहीं और कीड़ा भी नहीं लगेगा और बहुत दिन तक रहेगा। और अगला टिप्स है हमारा सौंफ को जो है हम हमेशा मार्केट से लाके डायरेक्ट खा लेते हैं, लेकिन सौंफ को हमेशा आपको धोने के बाद आप भून लेना है। भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल दें शक्कर, आजकल जैसे मार्केट में मिलता है उस टाइप का शक्कर मिला लें और खाएं। अगर आप चाहें तो इसका वीडियो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पूरा देख सकते हैं इसका वीडियो। आटे को हम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से इसका स्वाद जो है रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। और ये है अजवाइन। अजवाइन डालने से इसका डाइजेस्टिव, जैसे हमारा हजम करने की जो प्रक्रिया है वो आसानी होती है हजम करने में। तो रोटी गूंथते समय ज़रूर आप नमक, अजवाइन और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम डालेंगे अदरक। ये देखिए अदरक, अदरक का टुकड़ा आपको जितना क्वांटिटी में आप आटा गूंथ रहे हैं उसी हिसाब से, जैसे आधा केजी लेंगे तो एक इंच का टुकड़ा ले लीजिए। तो अदरक का टुकड़ा को हम कूट लेंगे और इसका
थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे जूस निकाल लेंगे और आटे में मिला के गूँथेंगे, तो इससे रोटी हमारा सॉफ्ट बनता है। अगला टिप्स है हमारा गाजर। गाजर को हम कैसे जल्दी से कद्दूकस करेंगे ये वाला टिप्स मैं बताऊंगी आपको। गाजर को हमें कद्दूकस करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो आप गाजर को क्या करें, ऐसे चार चार पीस टुकड़े में काट लीजिए। उसके बाद कोई भी आप ग्राइंडर जार है उसमें डाल दीजिए, और इसके बाद आपको उल्टा घुमाना है ग्राइंडर जार में। इसका भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वीडियो डिटेल्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे